रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक के बिजनेस पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं और करेंटली कोटक महिंद्रा बैंक कोई भी नए कस्टमर्स को अक्वायर नहीं कर सकता है, फिर चाहे कस्टमर एक्विजिशन का प्रोसीजर ऑनलाइन हो या फोन बैंकिंग का इस्तेमाल करके। और अगर आप लोग कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिलहाल यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। और अगर आप लोग कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर की प्राइस को देखेंगे तो पिछले एक दिन में इस कंपनी के शेयर की प्राइस 1% से ज्यादा गिर चुकी है। और अगर आप लोग पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में ऑब्जर्व करेंगे तो पांच ट्रेडिंग सेशन में कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर की प्राइस 10.46% से ज्यादा गिर चुकी है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर की प्राइस के गिरने के पीछे का रीजन क्या है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोटक महिंद्रा बैंक के बिजनेस पर इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगाए हैं। अगर आप लोगों ने कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मार्केट में किसी भी बैंक के बिजनेस को रन करने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिसके ऊपर बैंक को टाइम टू टाइम चेक रखना पड़ता है। सबसे पहली चीज होती है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सेकंड चीज होता है आईटी रिस्क मैनेजमेंट। मार्केट में करंटली जितने भी बैंक्स हैं सारे के सारे बैंक्स अपने सॉफ्टवेयर को और इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं और बग्स को फिक्स करने की कोशिश करते हैं ताकि जब भी कोई कस्टमर उसके बैंक के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करे तो यहाँ पर कोई डिफिकल्टीज नहीं आनी चाहिए। और इसी के साथ साथ किसी भी प्लेटफॉर्म का यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करने पर क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड होते हैं इसके बारे में भी पता होना चाहिए। लेकिन वहीं पर कोटक महिंद्रा बैंक के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी रिस्क मैनेजमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारी डेफिशिएंसी दिखाई दी थी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने को लेकर कोटक महिंद्रा बैंक को कांटेक्ट किया था और काफी टाइम पहले कोटक महिंद्रा बैंक को कहा गया था कि इन सारे पॉइंट्स पर ध्यान दिया जाए और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर बनाया जाए। लेकिन अगर आप लोग पिछले कुछ टाइम पीरियड में देखेंगे तो पिछले कुछ टाइम पीरियड में कोटक महिंद्रा बैंक का CBS यानी कि कोर बैंकिंग सिस्टम, तो रिसेंटली कोटक महिंद्रा बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम की वजह से लोगों को बहुत सारी डिफिकल्टीज क्रिएट हुई थी और साथ ही साथ ये कोटक महिंद्रा बैंक का जो कोर बैंकिंग सिस्टम है वो सफर कर रहा था बहुत सारी प्रॉब्लम से। और हाल ही में एक टाइम ऐसा आ गया था जहां पर कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स काफी हद तक बढ़ चुकी थी। कस्टमर्स कैश विड्रॉ नहीं कर पा रहे थे, कस्टमर्स अपने कैश के बैलेंस को चेक नहीं कर पा रहे थे और इसी के साथ साथ क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। अब कोटक महिंद्रा बैंक का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और इसी के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट का जो प्रोसीजर है वो प्रॉपर ना होने की वजह से तो मार्केट में कोटक महिंद्रा बैंक के ज्यादातर कस्टमर्स ने कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ बहुत सारी कंप्लेन इशू की थी और बहुत सारे इश्यूज रेज किए थे। और अगर आप लोग कुछ टाइम पीरियड पहले कोटक महिंद्रा बैंक से रिलेटेड ट्वीट्स को देखेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक के इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देखेंगे और इसी के साथ साथ कोटक महिंद्रा बैंक के लिंक्डइन प्रोफाइल को देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इश्यूज सामने आए थे। और इसी रीजन की वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोटक महिंद्रा बैंक को न्यू कस्टमर अक्वायर करने के लिए और साथ ही साथ नए क्रेडिट कार्ड इश्यू करने पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। अगर आप लोग करंटली इस कंपनी के फंडामेंटल को देखेंगे तो इस कंपनी के फंडामेंटल थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं, लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के बाद से इस कंपनी के फंडामेंटल्स के साथ साथ इस कंपनी के टेक्निकल ग्राफ को भी देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को डाउनफॉल दिखाई दे रहा होगा। और रिसेंटली कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा एक प्रेस रिलीज आया था जहां पर कोटक महिंद्रा बैंक ने कहा है कि कुछ टाइम पीरियड में कोटक महिंद्रा बैंक ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है और साथ ही साथ इनका कहना है कि एज सून एज पॉसिबल ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों ने कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए। करंटली इस कंपनी के शेयर 5 डेज में 10% से ज्यादा गिर चुके हैं। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में इन कंपनीज के शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग फिर भी प्रॉफिटेबल चलते हैं तो आप लोग सेल भी कर सकते हैं और प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में से बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो कि आरबीआई के रेस्ट्रिक्शंस के सामने आने के बाद से कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर्स में सेल रेटिंग देते जा रहे हैं। मतलब कि इनका पर्सपेक्टिव ये है कि कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर की प्राइस और ज्यादा गिरेगी। बाय द वे कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।